जोशीमठ भूदसाव मामले पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज कैबिनेट बैठक होगी। बता दें कि पुनर्वास और मुआवजे के लिए अलग अलग नीति बनाने पर फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट बैठक में अलग अलग नीति पर फैसला किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज कैबिनेट बैठक होनी है और बैठक में पुनर्वास और मुआवजे के लिए अलग अलग नीतियों पर बात और सहमति बन सकती है। अलग अलग नीतियां डिस्कस की जा सकती है। पुनर्वास और मुआवजे को लेकर के नया रुख अपना सकती है सरकार। पुनर्वास किस लिए, क्या कराया जाए, किधर किया जाए और किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जाए, इन सभी मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। जोशीमठ में लगातार भूदसाव से हालात चिंताजनक हो चुके हैं और ऐसे में ये बड़ी खबर, क्योंकि एक के बाद एक राज्य सरकार ने इसका जिम्मा उठाया है। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करवा रही है कि जो पीड़ित है, जो परिवार इस वक्त खतरे के संकट में है। अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए। सुदीप, जिस तरह से आज कैबिनेट बैठक होनी है, सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे और नीति बनाई जाएगी कि आखिर किस तरह से लोगों को पुनर्वास दिया जाए। देखिए, आपकी कैबिनेट बैठक में दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो जो लोग नुकसान की जद में है उनको मौजूदा नियमों के तहत मुआवजा न देकर बाजार भाव से मुआवजा दिया जाना है, क्योंकि लोगों में नाराजगी है कि जो सरकारी रेट है, जो सरकारी भाव है वो बहुत कम है। दूसरा, राज्य सरकार जो इस आपदा पर, इस भूदशाओं पर राज्य सरकार से बजट चाहती है, उस बजट के बाबत भी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिर उसे कितने करोड़ रुपए या कितने आर्थिक रूप से कितने पैसे की जरूरत है। तो ये दो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं आज की कैबिनेट बैठक में। इसके अलावा भी अन्य बिंदु हो सकते हैं, पर जोशीमठ के लिहाज से ये बैठक ही बुलाई गई है और 12 बजे से बैठक कैबिनेट में शुरू होगी। सुदीप, क्योंकि कैबिनेट बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है, जिस तरह से जोशीमठ में फिलहाल हालात बने हुए हैं भूदशाव के चलते, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि तमाम वो मुद्दों पर, आर्थिक मदद पर और हर संभव प्रयास करने की राज्य सरकार पहले ही बात कर चुकी है। जी, मैंने जो आपसे बताया वही दो मुद्दे महत्वपूर्ण है। एक तो बाजार मूल्य से जो मुआवजा दिया जाना है, इस पर कैबिनेट के साथियों के साथ मुख्यमंत्री धामी चर्चा करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, जो भारत सरकार को प्लान भेजा जाना है, जो राहत पैकेज मांगा जाना है इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरी कार्रवाई में, इस पर चर्चा होगी, यही अभी तक हमारी जानकारी। सुदीप, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, हरीश रावत की तरफ से एक के बाद एक पलटवार किया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है सरकार पर और सीएम पुष्कर सिंह धामी पर, तो इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये चूक मौका आपदा का जरूर है, पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि इस मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी संगठन हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो मिलकर आपसी सामंजस्य काम करें तो स्थिति सुधार होगी, बेहतर होगी। और जोशीमठ के लोगों के लिए भी अच्छा संदेश नहीं है कि उनकी हालात पर कोई राजनीति करे। राज्य सरकार हर बेहतर व्यवस्था, हर प्रकार की मदद के लिए सदैव तैयार है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप।